इस वीडियो में हम कुछ कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं तो आइए उसके पहले कैलकुलस का एक थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं तो मान लीजिए आप एक पार्टिकल को देख रहे हैं और वो जो पार्टिकल है ना वो अपनी पोजिशन बदल रहा है टाइम के हिसाब से तो आपने क्या किया आपने उसका पोजिशन का फंक्शन लिख लिया तो फंक्शन आपने लिखा है एस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अब इस फंक्शन में अगर आप टी की वैल्यू डालते हैं तो आपको उस पार्टिकल का उस टाइम पे उस टी पे पोजिशन पता चल जाता है मान लीजिए फंक्शन था टी क्यूब तो मैंने आपसे कहा कि मुझे बताओ कि दो सेकंड पे क्या पोजीशन तो आप इस पे दो डालिएगा और आपको पोजीशन आ जाएगी टू क्यूब दैट इज आठ मीटर तो अब हम क्या करने वाले हैं अब हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में डी बाई डी तो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास आएगा डी ऑफ फंक्शन एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अब इसे हम और क्या बोलते हैं ज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विध रिस्पेक्ट टू टाइम और इसे हमॉसिटी भी बोलते हैं और ये खुद एक टाइम का फंक्शन होगा कैसे अगर आप टी क्यूब को डिफरेंशियट करते हैं तो क्या आएगा थ्री टी स्क्वायर जो कि खुद एक टाइम का फंक्शन है टाइम के हिसाब से बदल रहा है अब मान लीजिए कि हम फिलॉसिटी को ही डिफरेंशिएट करने वाले हैं तो चलिए फिलोसटी को डिफरेंशियट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में डी बाई डी टी तो बताइए क्या आएगा हमारे पास तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा d ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dt और ये बराबर होगा एक्सेलरेशन के ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और इसे हम एक्सेलरेशन भी बोलते हैं यहां अगर हम थ्री टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा सिक्स टी अब एक्सेलरेशन को देखने का एक तरीका तो ये था कि वेलोसिटी का एक पहला डिफरेंशियल है और इसे देखने का एक और तरीका यह है कि हम पोजीशन को पोजीशन को अगर हम दो बार डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन आएगा मतलब कि एक्सेलरेशन इज डबल डिफरेंशियल ऑफ पोजीशन तो ये तो था डिफरेंशिएशन का रिवीजन आइए एक बार एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन का रिवीजन कर लेते हैं तो मान लीजिए हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और इसकी वैल्यू है सिक्सटी एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं और इसका हम एंटी डरेवेटिव निकालेंगे डेरिवेटिव निकालते हैं हम इसका तो ये हो गया इंटीग्रल का सिंबल और ये डी के टर्म्स में निकाल रहे हैं हम लोग तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा इंटीग्रल ए टी डी टी और ये आपको देखा एक टाइम का फंक्शन और प्लस सी वो होता है कॉमन फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन और ये पूरी जो चीज़ होगी वो कहलाएगी हमारी वेलोसिटी फंक्शन वेलोसिटी फंक्शन जैसे कि यहाँ पे आप 60 को इंटीग्रेट कीजिएगा तो आएगा, आएगा आपके पास सिक्स टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी ये मत भूलिएगा और ये पूरी चीज जो होगी ये होगी हमारी वेलोसिटी अब अगर आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे वेलोसिटी की वैल्यू पता है एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू पता है तो आप सी की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर उस सी की वैल्यू को अगर आप इस इक्वेशन में डाल दीजिएगा तो आपके पास वेलोसिटी की पूरी पूरी इक्वेशन आ गई है ना तो आइए अब आगे चलते हैं अब इसके आगे हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो अगर हमने वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल डी तो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास आएगा इंटीग्रल वी टी डी और ये दे देगा हमें एक फंक्शन टाइम का और साथ में होगा एक प्लस सी और इस पूरी चीज को हम बोलेंगे पोजीशन पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टी और इसमें भी सेम चीज आपको कॉन्सेंट की वैल्यू निकालने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे पोजिशन की वैल्यू पता होनी चाहिए तो आइए एक सवाल सॉल्व करके इसे और अच्छे समझ लेते हैं तो मान लीजिए कि आपको एक्सलरेशन दिया हुआ है एक बॉल का और वो दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर और साथ ही आपको दी हुई है velocity, लेकिन velocity जो है पूरी पूरी विलोसिटी की फंक्शन नहीं दी हुई है लेकिन आपको बस बताया गया है कि विलोसिटी एट टाइम टीज इकल टू थ्री सेकेंड है माइनस थ्री मीटर पर सेकेंड तो तीन सेकेंड पे वेलोसिटी है माइनस तीन मीटर पर सेकेंड और ऐसे ही आपको पोजीशन भी दिया हुआ है पोजीशन दिया हुआ है दो सेकेंड पे कि दो सेकेंड पे जो पोजीशन है बॉल का वो है माइनस टेन मीटर्स और आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप वेलोसिटी और पोजीशन का फंक्शन निकाल के दीजिए वेलोसिटी एंड पोजिशन का फंक्शन निकाल के दीजिए अब यहां पर आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं थोड़ी सी जगह बना ली जाए हाँ तो हमें दिया हुआ है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमें निकालनी है विलॉसिटी तो देखिए मुझे ये पता है कि अगर मैं विलॉसिटी को डिफ्रेंशिएट करूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं एक्सेलरेशन का एंटी डरेवेटिव निकालू तो मुझे विलासिटी आ जाएगी तो आइए ये करते हैं इंटीग्रल ऑफ ए टी डी टी ये दे देगा मुझे विलॉसिटी अब यहाँ पे नंबर डालते हैं और इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वन डी के हिसाब से ये देगा टी और साथ में सी देगा ये मत भूलिएगा कॉन्सटेंट भी आएगा साथ में तो ये हो गया हमारा विलासिटी विलासिटी का फंक्शन लेकिन अब यहाँ सी की वैल्यू कैसे निकालें तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वी थ्री तीसरे सेकंड पे वेलोसिटी जो है वो दी हुई है माइनस थ्री मीटर पर सेकंड तो ये जो वेलोसिटी का फंक्शन है ये टाइम का फंक्शन है है ना यहाँ पे टाइम दिया हुआ है तो ये निकालते हैं कि तीसरे सेकंड पे वेलोसिटी होगी कितनी इस इक्वेशन के हिसाब से तो वेलोसिटी एट इज इक्वल टू यहाँ पे टी के बदले हम लोग डालेंगे थ्री प्लस सी और ये चीज दी हुई है बराबर माइनस थ्री के तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस थ्री और दोनों साइड से हम क्या करते हैं माइनस थ्री कर देते हैं सब ट्रैक्ट कर लेते हैं थ्री को ताकि यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू आ जाए तो दोनों तरफ अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा सी इज इक्वल टू माइनस सिक्स c की वैल्यू आ गई माइनस सिक्स तो आइए c की वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन में डालते हैं और देखते हैं वेलोसिटी कितनी आती है तो ऐसे आ रहा है हमारे पास वी टी इज इक्वल टू टी माइनस सिक्स और ये है हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन फाइनल इक्वेशन अब एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं है तो देखिए अगर मैं यहाँ पे t की वैल्यू थ्री डालूंगा तो मेरे पास आएगा वेलोसिटी की वैल्यू थ्री तो माइनस सिक्स जो कि है माइनस थ्री जो कि हमारे पास दिया हुआ है तो ये तो चलो सही है अब अगर मैं इसे डिफरेंशियट करूं वेलोसिटी को तो मुझे क्या मिलना चाहिए वेलोसिटी का होता है एक्सेलरेशन तो इसे करने पे मुझे मिलना चाहिए एक्सेलरेशन तो आइए इसे डिफरेंशियट करते हैं तो अगर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा टी का डिफरेंशियन हुआ वन और माइनस सिक्सेंट है तो उसका डिफरेंशियन हो गया जीरो तो हमारे पास आएगा एक्सेलरेशन इज वन चूंकि यहां पे दिया हुआ है तो मतलब कि हमारी जो इक्वेशन आई वो बिल्कुल ही सही है तो अब आइए आगे, आगे सॉल्व करते हैं आगे हमसे पूछा जा रहा है पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में तो देखिए मुझे यह पता है कि अगर मैं पोजीशन को डिफरेंशिएट करूं तो तो मुझे आएगी वेलोसिटी वेलोसिटी क्योंकि रेट ऑफ ऑफ चेंज पोजीशन इज इसका मतलब कि अगर मैं वेलोसिटी का एंटी डेरिवेटिव लूं तो मुझे आना चाहिए पोजीशन तो हमारे पास वेलोसिटी की फंक्शन तो दी हुई है हमने अभी भी निकाल ली तो आइए इसका एंटी डेरिवेटिव लेते हैं और देखते हैं कि पोजिशन आता है या नहीं तो आइए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं तो अब हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने वाले हैं और हमें इससे मिलेगा पोजीशन तो आइए लिख लेते हैं इंटीग्रल ऑफ वी टी डी टी शुड पोजीशन तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है वेलोसिटी का फंक्शन क्या है टी माइनस सिक्स डी टी और इसका इंटीग्रेशन क्या देगा हमें टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा इंटीग्रेशन टी का और माइनस सिक्स का हो जाएगा माइनस सिक्स टी और एक कॉन्स्टेंट इसे मत भूलिएगा कॉन्स्टेंट को तो ये है हमारा पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अब इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी है हमें तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है सवाल में हमें यह दिया हुआ है कि दूसरे सेकंड पे पोजीशन जो है माइनस टेन मीटर्स था तो आइए यहां पे टी के जगह पे हम लोग टू रख के देखते हैं पोजीशन एट टू तो ये आ रहा है टू स्क्वायर बाई टू हो गया टू माइनस सिक्स इंटू टू ये हो गया ट्वेल्व प्लस सी और ये पूरी चीज़ हमें दी हुई है एस टू हमें दिया हुआ है माइनस टेन ये बराबर हो जाएगा माइनस टेन के अब यहाँ पे आ जाएगा टू माइनस ट्वेल्व हो गया माइनस टेन माइनस टेन प्लस सी इज इक्ल टू माइनस टेन अब अगर दोनों साइड हम टेन से ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा सी इज इक्ल टू ज़ीरो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जीरो तो इसका मतलब हमारा एस का इक्वेशन हमारे पोजिशन का इक्वेशन हो गया एस टी क्ल टू टी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टू माइनस सिक्स टी ये हमारा पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अब आइए से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं अब देखिए अगर मैं पोजिशन का डिफ्रेंशिएशन करूं तो मुझे क्या आएगा मुझे आना चाहिए विलोसिटी तो एक बार डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं टी स्क्वायर बाई टू का डिफ्रेंशिएशन हो गया टू टी बाई टू और टू टू कैंसिल हो गया तो बच गया सिर्फ, सिर्फ t, और सिर्फ टी और माइनस सिक्सटी का डिफरेंशियन हो गया माइनस सिक्स तो हमारे पास आ गईसिटी टी माइनस सिक्स जो कि बिल्कुल सही है और इस इक्वेशन में अगर मैं टी इज इक्वल टू टू पुट करूं तो मुझे पता है कि एस टू आना चाहिए माइनस टेन तो आइए टू, तो टू स्कवायर बाई टू यानी कि टू माइनस सिक्स इंटू टी दू हो गया ट्वेल्व तो टू माइनस ट्वेल्व इज माइनस टेन जो कि यहाँ पे वैल्यू दी हुई है तो यानी कि हमारा जो पोजीशन का इक्वेशन आया वो बिल्कुल ही सही है और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा।